हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? फैक्टर अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। तो हमने वहाँ पर बात की थी कि हेनरी लॉ को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हेनरी लॉ अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपको पिछले वीडियो लेक्चर से हमने क्या देखा था कि जो आपके पास जो प्रेशर है किसी गैस का, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? सॉल्युबिलिटी के। यही पढ़ा था कि प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। इतना हम पीछे पढ़ के आए हैं। तो इसने इस चीज़ को और कैसे जनरली मॉडिफाई कर दिया हेनरी लॉ ने, वो क्या कहता है? द पार्शियल प्रेशर अप्लाइड टू द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द लिक्विड सॉल्वेंट। ये मोल फ्रैक्शन क्या है? दैट इज द सॉल्युबिलिटी। यहां से मैं क्या कह रही हूं? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, ठीक है। यहां से ये बात कर रही हूं। तो मैंने आपको जैसे कि पहले बताया था कि जो सॉल्युबिलिटी है उसको हम कंसंट्रेशन की टर्म में किसमें मेजर करेंगे? जनरली मोल फ्रैक्शन में। तो हेनरी लॉ ने क्या कहा कि मैं मोल फ्रैक्शन के टर्म से क्या है सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहा हूँ। क्यों? उसका रीजन में भी ये हो सकता है कि वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ठीक है, हमको हेनरी लॉ ने कैसे मॉडिफाई कर दिया कि जो पार्शियल प्रेशर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस प्रेजेंट इन द लिक्विड सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहाँ से वो क्या कह रहे हैं, कौन सा एक नया रिलेशन डिराइव हो गया? दैट इज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। और मोल फ्रैक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जीटा से। इतना पता है आपको। अब आपको पता है कि मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है। तो हम हेनरी लॉ पढ़ रहे हैं तो मतलब कौन सा कांस्टेंट आएगा? हेनरी कांस्टेंट आएगा। तो पी विच इज इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट क्या होता है? के एच, एंड दैट इज द मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ से देखो, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। आप यहाँ से जब प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन है तो मैं इसी इक्वेशन को और कैसे मॉडिफाई कर सकती हूँ? ऐसे लिख सकती हूँ पी ये अपॉन में मोल फ्रैक्शन लेकर आ सकती हूँ। यहाँ से क्या हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू निकल आई हेनरी कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है आपको? हेनरी कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन क्या है? सॉल्युबिलिटी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। तो यहाँ से एक चीज़ तो कंफर्म होगी कि जो हेनरी कांस्टेंट है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट गैस। और नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो इट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं? टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी, ये लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन फर्स्ट होगी और ये इक्वेशन क्या होगी? सेकेंड होगी। तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से क्या रिलेशन निकलता है? कि के एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ये रिलेशन निकलता है। तो यहाँ से क्या आ गया? के एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, चाहे वो सेम गैस के लिए ही क्यों ना बढ़ा रहे हो, तो वहाँ पर हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये नाइट्रोजन गैस है, ठीक है, सेम गैस है 293 टेम्परेचर पे भी और 298 पे भी। अगर 293 पे देखें हम तो इसका हेनरी कांस्टेंट कितना आता है? 76.48, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली ये हमने निकाला है। और यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो टेम्परेचर के बढ़ाने से के एच की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर कितना आ गया? 84.48। मतलब टेम्परेचर के बढ़ाने से आपके पास जो हेनरी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये था आपके पास हेनरी लॉ जनरली, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास एक करेक्टरिस्टिक निकल के आता है कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं सेम गैस के लिए भी तो उसका जो हेनरी कांस्टेंट है वो भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। रहती बात, तो यहाँ पे आपके हेनरी कांस्टेंट यहाँ पे खत्म होता है। अब हम आगे इसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इतना नोट डाउन करो, कोई प्रॉब्लम होती है यू कैन डू कमेंट एंड आस्क। ओके, थैंक यू।